बाकी शौक अपना अपना किसान फिर कोई कहता अं मैसी वधिया सानूं लगता, कई कहते सानू सोना लिखा ही वधिया लगता, मैसी नहीं वधिया लगता, कई कहते आपां स्वराज बेचना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए स्वराज ही रखना। तो कई किसान वीर आ मेरे वाडे वर्गे छोटे मोटे ट्रैक्टर नाल ही करी जांदे आ काम किसान वीरो, वो कहते जे 35 है मैसी छोटा जां 275 है वाडा इहदे नाल ही सर जांदा। तो कई मेरे वीर कहते भी आपां लैणा ही 4x4 आ, 4x2 का मज़ा ही नहीं आता, 4x4 ही चलाना। ये तो फिर उही गल आ गई किसान वीरो अपने अपना शौक अपनी अपनी पसंद, ट्रैक्टर सारे ही वधिया, किसी कंपनी का कोई ट्रैक्टर नहीं माड़ा, तो ना बुराई करनी चाहिए है किसी ट्रैक्टर की। जो भी माड़ा हों मालिक है जो मशीनरी का उही माड़ा हों जो देखभाल नहीं करता, तो जानू किसान वीरो राम राम सत श्री अकाल सारे किसान भरावान का ट्रैक्टर सैंड खेती टैक यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो जो अपनी अज की वीडियो दिखानी है तुहानू अज मैसी 9500 पलेंटरी प्लस 50 HP का ट्रैक्टर है किसान वीरो, तो परफॉर्मेंस दिखावे कि 11 हल्ला भाई जी 11 हल्ला किसान वीरो टेलर हाँ, तो ये देख सकते हो जी एक बार भी नहीं पहली बाई तो यदि परफॉर्मेंस टेलर तो तुम्हें दिखानी है। तो थोड़ी जानकारी दे दी है ट्रैक्टर बारे, बोश का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप है, सिमसन का इंजन है, मेड इन इंडिया डीजल इंजन जोड़े आते हैं सिमसन के, 750/16 के फ्रंट टायर है। तो जे बैक की गल करिए 14928 के बैक है, तो अडिशनल वेट भी दिता कंपनी ने रिमा के नाल 35-35 किलो का दोनों साइड, ता जो ट्रैक्टर स्लिप ना करे तो जम के चले पैली च। तो साइड शिफ्टड गेयर बॉक्स है, 2 स्पीड वाला मॉडल है किसान वीरो, तो गेयर है जेडे साइड पर खुला प्लेटफॉर्म है ओपन। तो कितना मॉडल है भाई कितने साल पुराना? 3 साल हो गया। तो किदा परफॉर्मेंस लगती ट्रैक्टर दी? फिर बहुत वधिया है, मतलब जदों चलदे आ बड़ा स्मूथ जिहा चलदा हैगा। अच्छा जी, बड़ी ही वधिया, मतलब कि लगदा चलाउण च भी बड़ा वधिया कंफर्टेबल है। ठीक है, ते इस तो पहले केड़ा ट्रैक्टर चलाया भाई तुसी? इस तो पहला सोनालिका सीगा अपने कोल। सोनालिका, ठीक है। ते सोनालिका बेच के फिर आ लैण दी की लोड़ पै गई? मीनिंग एक ते इहदा नाम सीगा, अच्छा दूसरा इक ना जदा ही मतलब वैली पुली असीं बांधे आ, मतलब कि ठीक है ना, एक तो कट आ, नाले तेल की बचत भी हैगी। अच्छा जी, तो जो मैं देखता मैं चलाना होता तो पता नहीं है, लेकिन चलाने के बहुत बढ़िया आया। बढ़िया आया मीनिंग? हाँ जी, हाँ जी। मीनिंग खुश हो ट्रैक्टर तो? खुश है, पूरा खुश है। मेरे फ्रेंड भी सर्कल से 5 ट्रैक्टर लेंदे हैं। अच्छा, मैसी है? मैसी लेंदे हैं। ठीक है, ठीक है, मीनिंग पूरा जी लग गया मैसी से? नज़ारे बने पे है। ठीक है, ठीक है। किसान वीरो जो किसानों नाल मैं तुहाड़ी अज गल करांदा पिया, ये जिदा अज के जमाने के पढ़े लिखे किसान मीनिंग पूरी नॉलेज रखते हैं मशीनरी की भी, तो हर एक काम की। तो चलो फिर अज कर दसने परफॉर्मेंस करो भाई स्टार्ट। तो किहड़े गियर च चलाओगे? जिहड़े गियर च तुसीं कह दोगे उस दे हाला खिचूगा। मैं कहता जिहड़े कोई 2-4 फेरियां च बनानी ना, मैं वीडियो जरा खिच के रखो इहनूं, गियर वाइज वड्डा कर लो। हाँ, जरा वधिया मज़ा आए लोगों को वीडियो वेखण दा। वाकई देखदे आ किसान वीरो परफॉर्मेंस, फिर हाई लिफ्ट वाला मॉडल है। वाला वाला हल पूरी ठोकती है किसान वीर ने। बल्ले बल्ले देखो किसान वीरों कितनी हल लगती पई आ। बाकी शौक अपना अपना किसान वीरों, कोई कहता अं मैसी वधिया सानू लगता, कई कहते सानू सोना लिखा ही वधिया लगता, मैसी नहीं वधिया लगता, कई कहते आपां स्वराज बेचना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए स्वराज ही रखना। तो कई किसान वीर आ मेरे वाडे वर्गे छोटे मोटे ट्रैक्टर नाल ही करी जांदे आ काम किसान वीरो, वो कहते जे 35 है मैसी छोटा जां 275 है वाडा इहदे नाल ही सर जांदा। तो कई मेरे वीर कहते भी आपां लैणा ही 4x4 आ, 4x2 का मज़ा ही नहीं आता, 4x4 ही चलाना। ये तो फिर उही गल आ गई किसान वीरों अपने अपना शौक अपनी अपनी पसंद, ट्रैक्टर सारे ही वधिया, किसी कंपनी का कोई ट्रैक्टर नहीं माड़ा, तो ना बुराई करनी चाहिए है किसी ट्रैक्टर की। जो भी माड़ा हों मालिक है जो मशीनरी का उही माड़ा हों जो देखभाल नहीं करता, तो जानू सही तरीके चला नहीं। बाकी मशीनरी कोई माड़ी नहीं होंगी किसान वीरों, नवी जी मशीनरी कंपनी चो बन के आ जाती है एक बार, तो जो मीनिंग कंपनी दसदी है भी देखभाल करो तो इनू जिस तरीके चलाओ, तो जिन्हें एक काम लिए कंपनी कहती है भी अं बनाई दी है तो उन्ना की काम लो वो देखो तरीके ना, तो मशीनरी कभी धोखा नहीं देगी, तो कभी खराब नहीं होएगी। इतने तो वो हिसाब हो जाता हूँ भी कंपनी कहती है भी यदि 200 क्वांटल भार चुकन की कपैसिटी है,
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 400 ਹੀ ਪਾਣਾ ਉਹਨੇ ਰੇਤਾ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਢੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਢੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਾਂ 350-300 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ 200-150 ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਲੋਡ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹੋ ਹਿਸਾਬ ਪੈਲੀ 'ਚ ਆ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਲੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿੰਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੋਪ ਗੇਅਰ ਹੈ ਟੋਪ ਦੇ ਲੋਹ 'ਚ ਚੌਥੇ ਲੋਹ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚਾਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੁੱਸਦੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਸੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਈਲੈਂਟ ਇੰਜਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਟੋਪ ਲੋ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਟੋਪ